अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ व्यूअर्स। 10 मरले का सिंगल स्टोरी घर है, स्पेनिश डिज़ाइन पे तैयार करता ये घर है। बहुत ही मुनासिब कीमत में ये आपको मिल जाएगा। फ्रंट एलिवेशन आपको दिखाया जा रहा है इसका, और इसके अराउंड बोर्ड आप देख रहे हैं कि मुकम्मल 12 ब्लॉक है। सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम जो कि मेन फिरोजपुर रोड पर सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और ये LDA से अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम है। यहाँ पे आपको सेंटर पार्क का अपना टीचिंग हॉस्पिटल मिल रहा है जो कि इससे एक मिनट की मसाफत पे दूर है। इसके अलावा 500 किनाल का पार्क है सेंटर पार्क का, और इसके अलावा तमाम सहूलियात आपको यहाँ पे मिल रही हैं। स्कूल जो कि एक बहुत ही हाई क्लास ब्रांड के स्कूल यहाँ भी आपको मिलेंगे। घर के अंदर की तरफ चलते हैं तो आप फ्रंट पर लोन आपको मिल रहा है। ये घर के सामने फ्रंट पर आपको लोन मिल रहा है। इसके अलावा कार रैंप पे टाइल का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गैराज में आप दो गाड़ियाँ आराम से खड़ी कर सकते हैं। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन, सामने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम के ए ब्लॉक में इस घर की लोकेशन है, और ये फ्रंट पे 10 फुट की स्ट्रीट छोड़ी गई है। यहाँ भी मोज़ेक का काम किया गया है आर्टिफिशियल घास के ज़रिए। और जैसे ही हम घर के अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें दो सेपरेट रास्ते मिलते हैं, एक ऊपर जाने के लिए और एक टीवी लाउंज में जाने के लिए, और ड्राइंग रूम के लिए भी लैदा सेपरेट रास्ता दिया गया है। घर की एंट्रेंस है ये। जैसे हम घर के अंदर दाखिल होते हैं तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं, और डोर दिया गया है टीवी लाउंज में दाखिल होने के लिए और ड्राइंग रूम के लिए, तीनों सेपरेट डोर है। और नीचे पाउडर रूम आपको मिल रहा है सीढ़ियों के। घर की लोकेशन बहुत ही प्यारी है। सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम का जो टीचिंग हॉस्पिटल है उससे एक मिनट की मसाफत पे ये घर आपको मिलेगा। इसके अलावा मेन बुलेवार्ड से तकरीबन एक मिनट की मसाफत है इसकी, मेन फिरोजपुर रोड से। ये इसका टीवी लॉन्च का गेट। जैसे ही हम टीवी लॉन्च में दाखिल होते हैं तो हमें आप देख रहे हैं सामने LED पॉइंट, और सामने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया, ये ऊपर सीलिंग डिज़ाइन। अभी ये न्यू घर तैयार हो रहा है, अभी इसमें जो सफाई वगैरह का काम होने वाला है। और इसके साथ ओपन आपको मिल रहा है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में आप देख रहे हैं खिड़की और सेफ्टी ग्रिल के साथ आपको मिल रही है, और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन। अभी पेंट का काम होने वाला है इसमें। सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम के ए ब्लॉक में इस घर की लोकेशन है। इसमें आपको दो बेडरूम नीचे मिल रहे हैं, एक आपको ये देख रहे हैं कि किचन मिल रहा है। किचन में आप देख रहे हैं कि एक्सेसरीज तमाम इंस्टॉल है इसमें। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन, चूल्हा भी इंस्टॉल मिल रहा है आपको यहाँ पे। इस घर की प्राइस की बात करें तो इस घर की प्राइस बहुत ही मुनासिब प्राइस है। आपको 10 मरला में बहुत ही मुनासिब प्राइस में यह घर मिल रहा है। 1,50,00,000 रुपये इस घर की जो डिमांड है, 1,50,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है। इसमें नेगोशिएबल हो सकता है, बैठ के ओनर के साथ बात करवाई जा सकती है, आपकी मीटिंग वगैरह इम्पॉसिबल है, आप मीटिंग कर सकते हैं। इसका नक्शा दो स्टोरीज का पास होता है। इसके अलावा आप इसके ऊपर एक और स्टोरी बना सकते हैं। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, इसमें कबर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। ऊपर आप देख रहे हैं कि सीलिंग डिज़ाइन और बेड वॉल और सेफ्टी ग्रिल के साथ आपको खिड़की मिल रही है यहाँ पे। जैसे ये इसका वाशरूम, अटैच वाशरूम, 6 फुट तक इसकी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन। ये इस घर का व्यू मुकम्मल। ये ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे आप देख रहे हैं मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, ग्रेनाइट मार्बल है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या घर के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन या विज़िट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आ सकते हैं, आपको मुकम्मल विज़िट करवाया जाएगा। सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम में आप अगर प्लॉट लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल या 10-2 कनाल का, तो आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में घर भी दिखाए जाएंगे।
इसके अलावा अगर प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको प्लॉट भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लेके दिए जाएंगे। अगर आप प्लॉट या घर सेल करना चाहते हैं सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में तो आप रब्ता कर सकते हैं, आपका बहुत ही अच्छी प्राइस में घर सेल या परचेज किया करवा कर दिया जाएगा। तो व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।